अस्सलाम वालेकुम क्या हाल चाल है आप सबका, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आज असद किधर गया। अच्छा आज असद को हमने कैमरा मैन दे दिया। चुप रहना भाई, बंद करना तेरा बकवास, बंद कर अभी। आज हम सब वीडियो बनाएगा। After watching this type of intro, public be like. Control. तो अस्सलाम वालेकुम, तो क्या हाल है भी सबके, उम्मीद है सब ठीक होगे, बढ़िया होगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। जी सर, यो गाइस हाउ आर यू। नेक्स्ट, हाय एवरीवन, आई एम अजहर इकबाल, आई होप दैट यू आर ऑल डूइंग वेल। या ही इज अ पायलट, ग्रेट। थैंक्स। लेट्स असद दीन। थैंक्स भाई, पागल वागल हो गया, रिवाइंड करूं जरा। दीन थैंक्स। व्हाट, आई एम अकीम फैज एंड आई विश यू माय ट्रिप इज वेरी एंजॉयमेंट एंड वेरी फनी। ये क्या है? तो जैसा कि आप लोगों ने टाइटल देख के आप लोगों का अंदाजा हो ही गया होगा कि आज हमारा एजुकेशनल ट्रिप जा रहा है। आपका लगा था हमारी स्टोरी नॉनसेंस है। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो सब, उम्मीद है सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो यार स्टार्टिंग थोड़ी सी फनी रखी थी क्योंकि वीडियो बोरिंग ना हो और आप लोग भी ताकि एंजॉय कर सकें। मेरी कोशिश यही होती है कि व्लॉग को जितना हो सके एंजॉयबल और फ़नी बनाए रखूं। तो ये थी हमारी एजुकेशनल ट्रिप जो कि लाहौर एक्सपो सेंटर और बुक फेयर पे गई हुई थी। तो जैसा कि हमारा ट्रिप स्टार्ट हुआ, हम लोग वाया रिंग रोड गए एंड काफ़ी इन्जॉय किया यार। तो यहाँ पे हम लोग जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पहुँच चुके हैं और स्टूडेंट्स को यहाँ से जो है हमने कहा कि आप एंटर हो जाएं। और ये जो व्लॉग है इसके जितने क्लिप्स हैं ये तकरीबन जो हैं 95% क्लिप्स मेरे फ्रेंड मनान ने बनाए थे। मैं क्योंकि मैनेजमेंट भी देख रहा था और साथ में दूसरे काम भी थे तो मैं बिज़ी था। खैर यहाँ पे हमारी मुलाकात हुई हमारे टीचर्स से जो कि यहाँ पे उन्होंने भी स्टॉल लगाया हुआ था। यहाँ पे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के पूरे पंजाब में से जितने इंस्टीट्यूशंस हैं अलग अलग उन्होंने स्टॉल्स लगाए हुए थे और बुक्स यहाँ पे सेल होने के लिए आई हुई थी। यहाँ पे जो स्टॉल्स लगे हुए हैं वहाँ पे एजुकेशन के मुताबिक आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और जो कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशन वो भी। यहाँ पे मैं सबसे पहले स्टॉल पे गया तो मैं ये भाई से मिला। ये आईटी के रिलेटेड स्टॉल था एंड कुछ खास नहीं था, लाइक नॉर्मल इंफॉर्मेशन थी। ये बहुत इंटरेस्टिंग था, यहाँ पे स्टूडेंट्स ने मॉडल्स बनाए हुए थे। मॉडल्स कहते हैं या मॉड्यूल्स कहते हैं, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो बता देना। तो इन्होंने बताया कि ये कैसे वर्क करता है। देखें यहाँ पे उन्होंने बताया कि ये लाइट सेंसर है, ये लाइट को डिटेक्ट करता है, जैसे जैसे कम होगी वो देखें एज यू कैन सी के लाइट्स ग्लो हो रही हैं। यही था इसका मकसद कि बताया जा सके कि हम जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक के रिलेटेड जो जितनी भी फील्ड्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे मैं आया और ये स्टॉल बेसिकली दो थे और ये मैडम जो थी ये एक एनजीओ की तरफ से यहाँ पे आई हुई थी ताकि ये बता सकें कि हम जो है वो जिनके पेरेंट्स नहीं होते उन्हें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटीज़। और इनके पास जो है ये ईच क्लास के लिए एक इन्होंने बंगला बनाया हुआ था, लाइक ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ इनकी लगी। तो एक्चुअली ये ना जो डोनेट करते हैं ना लोग ये उनके लिए भी था कि वो यहाँ पर आ सकें। तो इन्होंने हमें अपना जो है कार्ड दिया और कहा कि अगर आप पे करते हैं तो आपको लाइफ टाइम मेम्बरशिप दी जाएगी ताकि आप लोग विज़िट कर सकते हैं किसी भी टाइम हमारे और आपके इन केस जो है स्टूडेंट्स या बच्चों को इन फ्यूचर हम और भी बता सकते हैं इजी तरीके से। यहाँ से मैंने कहा कि चलें हम डिटेल्स यहाँ से पढ़ लेंगे, तो बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके एंड उन्हें मैंने थैंक यू बोला और हम नेक्स्ट स्टॉल की तरफ चले गए। तो ये हम लोग आ चुके हैं बुक फेयर में। तो असद भाई का तो यहाँ पर वैसे काम कोई नहीं है,
ठीक है। एक्चुअली मेरा यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट काम है क्योंकि बुक्स को खरीदना जो है मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बहुत बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे। ये बताओ ना, आई डोंट वांट टू बाय अ बुक। अच्छा, बुक्स को खरीदना मकसद नहीं होता, उन्हें पढ़ना मकसद होता है। हर बुक में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिली जाएगी जिससे आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं वो आसान हो जाएंगी और आपकी लाइफ में फायदा होगा। कहते हैं कि नॉलेज जिसके पास है ना वो दुनिया को किसी भी तरीके से अपने हिसाब से चला सकता है। एंड नॉलेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ किताबों के जरिए ही आया है, अभी तक ट्रांसफर हुआ है। अब मॉडर्न जमाना है, 21वीं सदी है, तो इंटरनेट के रिलेटेड जो है फील्ड्स बहुत हैं। लेकिन अगर हम सही बात करें तो जस्ट नॉलेज का सोर्स बुक्स ही तो हैं। तो सॉरी, यहाँ पे पब्लिक की वजह से शोर बहुत ज़्यादा था, तो हम लोग नेक्स्ट बुक फेयर की तरफ गए एंड बुक फेयर में मैं जाके मिला और उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। और आज के नौजवान को अपने किरदार लिखने के लिए जरूरी है कि वो कामयाबी के किरदार को तैयार, जो हमारे लीडर कौमी लीडर जी हो गए सर। थैंक्स Yes. मैं फ्रॉम सीओ ऑफ पाकिस्तान, हम ये हमारी बुक आती है 100 परफॉर्मिंग सीओज ऑफ कंपनीज ऑफ पाकिस्तान। हम इसमें टॉप सीओज ऑफ कंपनीज के होते हैं उनको फीचर करते हैं, उनके इंटरव्यू, उनकी स्टोरी, उनकी पर्सनैलिटी। तो यहाँ पे जो है वो इस्लामिक कुतुब का स्टॉल भी लगा हुआ था, उसकी तस्वीर में आपकी इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे। हमारा भी यही पर्पज है कि प्रमोट करना, जितना ज्यादा हो सके बुक फेयर को प्रमोट करना और बच्चों को बताना इस प्लेटफॉर्म को। उससे पहले मैसेज ये देना था कि जितना हो सके अपने बच्चों को बताएं कि बुक्स की क्या अहमियत है और बुक्स से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। नॉलेज जाहिर सी बात है हम इंटरनेट से तो करते हैं लेकिन वो वैलिड नहीं है। एक बुक से जो नॉलेज लिया जाता है वो वैलिड होता है एंड वो इन फ्यूचर भी आपके काम आ सकता है। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म की बुक्स का स्टॉल लगा हुआ था एंड बहुत मज़ा आया, लाइक बहुत इंजॉय भी किया कि किस तरह से हमारे जो है प्रमोट कर रहे हैं बुक्स को। एंड यहाँ पे हम लोग अपने कायद की तरफ भी आए, जो हमारे कायद पंजाब की तरफ से स्टॉल लगा हुआ था, इनसे मैंने बात की। चूँकि यहाँ पे शोर था इसलिए मैं वॉइस ओवर कर देता हूँ कि मैंने जो थे ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे कायद की तरफ से, तो मैंने इनसे पूछा कि क्या पर्पज़ है, आप क्या बताना चाहेंगे, चूँकि हम बीएड कर रहे हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इस कोर्स के बाद हम लोग बच्चों को किस तरह से जो है वो माइल कर सकते हैं कि वो पढ़ें। तो यहाँ पे जो है हम लोग ट्रैवल करते हुए नेक्स्ट स्टेशन की तरफ अपने चले गए। अब जो था वो एंजॉय का टाइम था और लाहौर में हैं तो शाही किला तो जाना ही था ऑब्वियसली, तो शाही किला के साथ ही बिल्कुल मीनार पाकिस्तान और बादशाही मस्जिद है। तो यहाँ पे चलते हुए हम लोग जा रहे थे, पहले एक्चुअली ना बहुत ज़्यादा रश था क्योंकि सैटरडे था, इस वजह से हमें जगह ही नहीं मिल पा रही थी। तो मैं तो वीडियो रिकॉर्ड पहले नहीं कर सका लेकिन ये यहाँ पे कुछ क्लिप्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एंड ये हमारे टीचर्स हैं, बहुत ही अच्छा इनके साथ भी टाइम स्पेंड किया एंड इनकी पिक्चर मैंने जो है वो एक क्लिप करके रख ली थी। तो यहाँ पे हम वापसी पे गए तो चूंकि टाइम बहुत शॉर्ट था इसलिए हमने अपने होम की तरफ भी मतलब घरों की तरफ भी जाना था एंड यहाँ पे हमने रास्ते पे स्टे किया स्पाइस एरिना पे और खाना शाना खाया और खाना बहुत मज़े का था। एंड उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, ओवन एंड आउट, अल्लाह हाफिज़।